नमस्ते, क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेंटर गैदर्ड स्लीव बनाना सीखेंगे। बनाने में ये बहुत आसान है और दिखने में वेरी ब्यूटीफुल। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए लेना है बेसिक स्लीव पैटर्न। इसकी लंबाई मैंने 10.5 इंच रखी है। यहाँ पर मैंने फ्रंट आर्म होल का कटिंग नहीं किया और यहाँ पर ये मैंने कैप हाइट की लाइन बना दी है। अब हम इसको सेंटर से कट कर देंगे। सेंटर से कट करने के बाद आधा हिस्सा साइड में रखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ आधा हिस्सा ही लेना है। जहां पर हमारी कैप हाइट का मार्किंग है, उसके नीचे 1-1 इंच पर इस तरह से निशान बना दीजिएगा। ये लगभग 1-1 इंच पर मैंने अंदाजे से मार्किंग किया है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर हमने मार्किंग किया है, वहां पर आप सीधे सीधे लाइन खींच दीजिएगा। नीचे की तरफ 2 इंच छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो हमें फोल्ड करने में काम आएगा। साइड में जो हमने सिलाई मार्जिन लिया है, उसको पूरी तरह से कट कर दीजिएगा। सिलाई मार्जिन कट करने के बाद हमने जो लाइन ड्रॉ किए हैं, उसके ऊपर से हम कट लगाएंगे। ये पूरा कट नहीं लगाएंगे, साइड में हम थोड़ा सा ज्वाइंट रखेंगे इस तरह से। अब इसको हम कपड़े के ऊपर रखेंगे। एक स्लीव बनाने के लिए मैंने 0.5 मीटर कपड़ा लिया है, जिसकी चौड़ाई 20 इंच है और लंबाई भी 20 इंच है। अब इस कपड़े को मैं त्रिकोण में फोल्ड करूंगी। 2 स्लीव बनाने के लिए आपको पूरा 1 मीटर कपड़ा लगेगा। त्रिकोण में फोल्ड करने के बाद ये हमारी खुली साइड होगी और ये हमारी बंद साइड होगी। इसके ऊपर हमारा कट किया हुआ स्लीव का आधा पैटर्न रखना है। इसको हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे, यानी फैलाएंगे। तो जब हम इसको स्प्रेड कर रहे हैं, तो बीच बीच का जो गैप है, वो आप 1.5 से 2 इंच तक रख सकते हो। कम ज्यादा हो, थोड़ा बहुत इधर उधर तो चलेगा। इसको अच्छे से हम सेट करके, मैंने इसके ऊपर ये स्केल रखी है ताकि यहाँ पर ये वजन बनाए रखे। अब यहाँ पर मैंने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लिया है बाहर की ओर। नीचे की ओर भी हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और इस तरह से हम कर्व बनाएंगे। आगे की तरफ हम 1 इंच रखेंगे, क्योंकि हमारे स्लीव के 2 पार्ट हुए हैं, तो दोनों को हमें बीच में जोड़ने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब ऊपर की तरफ जैसा है वैसा हम ड्रॉ करेंगे, नीचे की तरफ भी जैसा है वैसा ड्रॉ करके लेना है। इस ओर हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लिया और यहाँ पर हमने 1 इंच लिया। अब इस स्लीव को हम कट कर देंगे। तो हमारा जो ड्राफ्टिंग है, उसको मैं निकाल दूंगी और यहाँ पर इस तरह से एरो बनाएंगे, ताकि हमें ऊपर और नीचे का फर्क समझ में आ जाए। ऊपर की तरफ हमारा आर्म होल है और नीचे की तरफ हमारी स्लीव की मोरी है। अब मोरी की तरफ कट करते समय थोड़ा सा कर्व लीजिएगा। कोने से नहीं कट करेंगे, क्योंकि फोल्ड करने में प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पर हमारे एक स्लीव के 2 पीसेस निकल के आएंगे। इसको मैं आमने सामने रख देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे एक स्लीव के 2 पैटर्न हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 पैटर्न लिया है और आप एरो देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर इस वाली साइड में, ये हमारी सेंटर साइड है, यहाँ पर हमें 0.5 इंच अंदर की तरफ मोड़कर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 0.5 इंच मोड़ते हुए, यानी 1/4 इंच मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये पूरी मैंने सिलाई लगा दी और ये इस तरह से दिखेगा। अब हमें मोरी यानी बॉटम को डबल फोल्ड करके लेना है। तो सबसे पहले हम 0.5 इंच मोड़ेंगे। और फिर हम फिर से एक बार 0.5 इंच मोड़ेंगे। इस तरह से हम 2 बार मोड़ेंगे, क्योंकि एक ही बार में हम डबल फोल्ड करेंगे तो वो फिनिशिंग नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा क्रॉस होता है। डबल फोल्ड करने के बाद इसको सीधी साइड में लेंगे
और यहाँ पर ये बाहर की तरफ कपड़ा आना तो बनता ही है, क्योंकि ये क्रॉस होता है, तो इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। अब ये रेडी है। इसी तरह से मैंने दूसरे साइड का भी पैटर्न रेडी करके रखा है। अब हम इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखेंगे। ये मैंने रख दी, सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखो, हमने सेंटर में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, तो उसमें से 1/4 इंच हमने फोल्ड किया। अब रह जाता है 0.75 इंच। तो 0.75 इंच हम यहाँ से लेते हुए दोनों स्लीव के पैटर्न को ज्वाइंट करेंगे सेंटर में। तो 0.25 इंच हम यहाँ से लेते हुए सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कंप्लीट कर दी। सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको हम सीधी साइड में खोलते हैं तो ये इस तरह से दिखेगी, क्योंकि हमने बीच में इसको जोड़ दिया है। अब हम इसको उल्टी साइड में लेंगे। लेने के बाद यहाँ पर जो हमने 0.25 इंच लेकर जोड़ा है, उस पट्टी के अंदर हम इस डोरी को डालेंगे। तो डोरी को मैं इस तरह से यहाँ पर रख देती हूँ और एक साइड की पट्टी को इस तरह से हम मोड़ेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो आप पूरी तरह से सिलाई लगाकर ले लीजिएगा, बाद में भी आप डोरी को अंदर की तरफ डाल सकते हो, या फिर जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है उस तरह से आप डोरी को रखते हुए भी सिलाई लगा सकते हो। तो सिलाई लगाते समय डोरी के ऊपर हमारी सिलाई नहीं जाएगी, वरना ये डोरी नहीं खींचेगी। अब ये सिलाई लगाते समय आपको दिख रहा है मैं छोटे छोटे प्लेट्स ले रही हूँ, क्योंकि ये पूरा क्रॉस होता है, तो यहाँ पर ये प्लेट्स लेने की अगर जरूरत पड़ती है तो ले लीजिएगा, एकदम छोटे प्लेट्स। यहाँ पर मुझे बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि मैंने डोरी को रखकर सिलाई लगाई थी तो बहुत टाइम लगता है ऐसा स्टिच करने में। तो मैंने एक साइड की तो लगा दी। अब इस डोरी को मैं यहाँ दूसरी ओर मोड़ूंगी और इस दूसरी साइड की पट्टी को भी मैं फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी। देखिए, ये ऊपर की साइड में मैंने इसको इस तरह से मोड़ा है और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, दोनों साइड की पट्टियाँ आप सिलाई कर दीजिएगा 1/4 इंच गैप छोड़ते हुए, और फिर बाद में आप डोरी को इंसर्ट कीजिएगा। और एक ज़रूरी बात, यहाँ पर जो मैं सिलाई लगा रही हूँ वो मैं डोरी से एकदम चिपक के सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि ये जितना पास पास आएगी दोनों सिलाई उतना वो अच्छा लगेगा। तो सिलाई मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, इसको मैं सीधी साइड में लेती हूँ। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्रंट आर्म होल का शेप कट कर देंगे, क्योंकि वो हमने कट नहीं किया था। ये मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से किनारे से सिलाई लेनी है। ऐसा इसीलिए करना है क्योंकि ये हमारी क्रॉस में स्लीव होती है, अगर आप यहाँ पर आमूल के और सिलाई लगाओगे तो वो ज्वाइंट करते समय आसानी होगी। अब देखो, पूरी स्लीव रेडी है। अब हम नीचे की तरफ से यानी मोरी की तरफ से डोरी को इस तरह से खींचते हुए सेंटर में गैदर्स बनाएंगे। तो ये बहुत सुंदर गैदर्स यहाँ पर बन गए हैं। नीचे की तरफ मैं यहाँ पर गांठ बांध देती हूँ। अब देखो, यहाँ पर बिल्कुल हमारी नॉर्मल स्लीव की तरह ही ये स्लीव अटैच होगी, और अटैच होने के बाद आप ये सिर्फ हमारी नॉर्मल स्लीव की तरह ही इसकी फिटिंग भी होगी। आप देख सकते हो मैंने इसको मोड़ा है, और यहाँ से सिर्फ आपको फिटिंग की स्टिच लेनी है कुर्ती में ज्वाइंट करने के बाद। तो ये देखिए, मेरी स्लीव यहाँ पर रेडी है। इसके ऊपर आप अपने मन चाहे शो बटन्स लगा सकते हो, मैंने लगा दिए हैं। और ये रहा इसका फाइनल लुक। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। आशा करती हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सुंदर लगती है ये स्लीव। आप इसे अपने ब्लाउज में, कुर्ती में बना सकते हो। आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय।